Obrigada. Okay. कॉमन कलेक्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखो ठीक और याद करो कॉमन अमीटर की कैरेक्टरिस्टिक कॉमन अमीटर की कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कलेक्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन अमीटर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक ये कॉमन अमीटर की है ये आउटपुट करेक्टर जो है ये कॉमन अमीटर की है और यहाँ पे जो है दिस दिस वन इज कॉमन कलेक्टर ठीक है कॉमन कलेक्टर की जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे होंगे तो हम किसके किसके कैरेक्टरिस्टिक कर, कर, बनाएंगे कॉमन कलेक्टर में आउटपुट करंट uh, क्या है आई ई e, और आउटपुट वोल्टेज क्या है वी ई सी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या आउटपुट करंट क्या है आई ई एंड आउटपुट वोल्टेज क्या है वी ई सी राइट और इस टाइम पे हम इन दोनों के बीच में जब सॉरी वी ई सी इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम आई बी को बेस करंट को हम कांस्टेंट ले लेंगे ठीक है ये काम हमें करना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में अब देखो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में तुमने क्या किया था कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आईसी वर्सेस वीसीई बनाया था आईसी वर्सेस वीसीई ग्राफ बनाया था व्हेन आईबी इज कांस्टेंट, व्हेन आईबी इज कांस्टेंट, तो अगर अगर हम ये कहें कि ये वाला ग्राफ कॉमन कलेक्टर और कॉमन अमीटर दोनों के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो बिल्कुल सेम होती उनका सेम है उसमें जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब सेम है एक्सेप्ट कि हमने आईसी की जगह पे आईई लिया है वी की जगह पे वीईसी लिया है बाकी सारा एक्सप्लेनेशन सिंपली वैसे ही है जैसे हमने कॉमन अमीटर के केस में किया था रीजन सारे सेम है कि क्यों ये टिल, टिल्ट जो आ आ रही रही है है वो क्यों आ रही है? ये अर्ली इफेक्ट ये सचुरेशन रीजन सारी चीजें एकदम सेम है जैसे हमने कॉमन अमीटर में पढ़ा था ठीक है तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट no. हमें जो देखना है करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कंफिगुरेशन यहां के लिए भी स्टार्टिंग वही बाय केसीएल बाय केसीएल आईई इज इक्वल टू माइनस आईसी प्लस आई बी आईसी की जगह हमने सिंपली क्या रख दिया माइनस अल्फा आईई प्लस आईसीओ आईसी की जगह हमने क्या रखा है माइनस अल्फा आई प्लस आईसीओ ये क्वेश्चन हमें पता है हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं no. तो आई इक्वल टू क्या हो गया अल्फा आई ई माइनस माइनस प्लस तो अल्फा आईई माइनस आईसीओ माइनस आई बी यहां से क्या निकाल सकते हैं वन माइनस अल्फा आई ई इज इक्वल टू माइनस आईसीओ प्लस आईबी आईसीओ क्या है रिवर्स करंट ऑफ कलेक्टर साइड ठीक तो यहां से हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस पूरा बाहर है आईबी अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस आईसीओ अपॉन वन माइनस और जब हमने अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने देखा था कि वन प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा आता है तो अगर हम इसी इक्वेशन को बीटा के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम वन अपॉन वन माइनस अल्फा की जगह पे वन प्लस बीटा लिख सकते हैं तो माइनस बाहर है वन प्लस बीटा इंटू आई बी प्लस वन प्लस बीटा इंटू आईसी और इस वन प्लस बीटा इंटू को एक नए टर्म से डिनोट किया है आईसी ओ ये क्या है आईसी ईओ ये क्या डिनोट करता है ओ डिनोट कर रहा है ओपन सर्किट ठीक तो ये बेसिकली क्या शो करेगा जब hmm. कलेक्टर करंट जब बेस तुम्हारा ओपन सर्किट हो ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है कलेक्टर करंट जब तुम्हारा बेस ओपन सर्किट हो देखो इसको या, अभी एक टर्म और अभी हम लोगों को देखना है आई सी बी ओ ठीक है तो याद रखने का तरीका सिंपली ये है कि ये शो करेगा ओपन तो कौन ओपन तो ये सी शो कर रहा है कलेक्टर को बी शो कर रहा है बेस को तो कलेक्टर और बेस तो यहाँ पे गिवन है जो बचा हुआ तीसरा वाला टर्मिनल है वो टर्मिनल ओपन तो अमीटर ओपन जब है जब अमीटर ओपन है उस टाइम पे कलेक्टर में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है जब हमने कलेक्टर साइड को ओपन सर्किट कर दिया उस टाइम पे जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है वो बेसिकली क्या होगी आईसी बीओ और हमें याद है जब हमने आईसीओ फाइंड आउट किया था जब हमने ये आईसीओ फाइंड आउट किया था तब भी उसको फाइंड करते पे हमने अमीटर को open -circuited किया था, ठीक है? है तो वहां से ये clearly हमें पता है कि जो आईसीओ है ये आईसीबीओ के बराबर होगी ठीक है तो यहां हमें दो टर्म्स ऑफ करंट पढ़ने हैं एक आईसीबीओ ठीक है कई जगहों पे इसको भी यूज करते हैं आईसीओ की जगह पर ठीक है ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है कलेक्टर करंट व्हेन अमीटर इज ओपन सर्किटेड कलेक्टर करंट व्हेन अमीटर इज ओपन सर्किटेड अब यहां देखो इस इस करंट को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो ये क्या होगा सी क्या रहा e दिखा रहा है कलेक्टर ई दिखा रहा है अमीटर तो जो बचा वो ओपन कौन होगा बेस तो ये क्या है आई क्या होगी बेस कर सॉरी कलेक्टर करंट व्हेन बेस सर्किट इज ओपन व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन जब बेस टर्मिनल ओपन है उस टाइम पे जो कलेक्टर में रिवर्स करंट फ्लो हो रही है वो रिवर्स करंट आईसीईओ से डिफाइंड होती है और आईसीईओ इज इक्वल टू क्या होगा वन प्लस बीटा इंटू आईसीओ या ये भी लिख सकते हो वन प्लस बीटा इनटू आईसी बी अच्छा अब क्योंकि बीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन वन होती है तो वहां से हमें यह क्लियर है कि आई सीईओ की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन होगी आईसी से ICO की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन होगी से ठीक तो, अच्छा अगर लेकिन ये आईसीईओ इतना बड़ा नहीं है कि ये वन प्लस बीटा इंटू आई बी से बड़ा हो जाए ठीक है तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और यहां से हम आई ई अपॉन इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस वन प्लस बीटा नाउ अब अगर इसी का ले लें अपॉन आई बी का तो वो क्या हो जाएगा वन प्लस बीटा और वो इसके बराबर होगा गामा के ठीक है और यहाँ पे आईई क्या है कॉमन कलेक्टर के केस में आउटपुट करंट आईबी क्या है इनपुट करंट तो ये क्या हो जाएगा करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इस इन सब पूरे में किसी को कोई डाउट